हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो यार ये वीडियो है रिगार्डिंग अश्वानी सर, जिन्होंने जेई क्लासेस। तो आपको तो पता ही होगा कि अभी अश्वानी सर की उतनी क्लासेस नहीं हुई है 11th जिन्होंने जेई में, एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ द सिलेबस कम्प्लीशन ऑफ केमिस्ट्री। आपको तो पता ही है केमिस्ट्री का सिलेबस बड़ा होता है, एंड वी प्लान टू फिनिश द जेई लाइव डेली बाय डिसम्बर, ठीक है ना। डिसम्बर के फर्स्ट वीक तक हम कम्प्लीट करने की कोशिश करेंगे, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम नवंबर एंड तक कर लेंगे। बट हाँ, देर आर सम लेक्चर्स लेफ्ट और उसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया जाएगा, एंड देन आर एंटायर फोकस इज गोइंग टू शिफ्ट ऑन जुनून जेई एंड ऑब्वियसली द न्यू थिंग दैट इज कमिंग, दैट इज जंग ए जेई। उसके बारे में मैं आपको बहुत जल्दी बताने वाला हूँ, और इसमें वन शॉट्स स्पेशली जो बच्चे जेई 2022 में टारगेट कर रहे हैं उनके लिए सीरीज़ मतलब एक तरीके से अमृत की तरह होने वाली है। तो वेंसडे को मैं आपको बताना चाहता हूँ, अश्वानी सर अपनी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर रहे हैं जुनून जेई सेशंस की। एक वो वेंसडे को लेंगे, एक सैटरडे को लेंगे। अभी जस्ट मेरी फ़ोन पे बात हुई थी सर से, एंड वी वर डिस्कसिंग कि हम कैसे इसको करेंगे, ठीक है ना। एंड सॉरी यार, वो क्लासेस आपकी केमिस्ट्री की मैं जानता हूँ 11th के बच्चों की नहीं हो पा रही थी, बट लाइक आई हैव डिस्कस्ड विद अश्वानी सर एंड वी हैव फाइनलाइज्ड कि यार अब हम थोड़ी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, जुनून को बढ़ाएंगे। मुझे पता है यार 11th में तुम लोग खाली फिजिक्स और मैथ्स ही करे जा रहे थे, बट अगेन लाइक आई टोल्ड यू, जुनूने जेई टेस्ट सीरीज़ में क्या मतलब जो जुनूने जेई की सीरीज़ है इसमें हम क्या करते हैं, पहले आपको बताना चाहता हूँ। जुनूने जेई में हम वन शॉट्स में आपको सब कुछ कवर कराने की कोशिश करते हैं। जो क्वेश्चंस लेते हैं वो बहुत ही अलग टाइप के होते हैं, मतलब वो थोड़े से एडवांस्ड होते हैं, दे आर ऑब्वियसली अबव योर जेई लाइव डेली लेवल। बट यार हाँ, उनमें से काफ़ी सारे आपके जेपीपी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि आपको पता है जेपीपी में हम एडवांस लेवल के भी क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली यार इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा फैला देना, और डेफिनेट और बहुत जल्दी अश्वानी सर की हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। अश्वानी सर ने अग्री कर लिया है इसके साथ, तो डेफिनेटली यार, एंड ऑब्वियसली अ बिग लाइक फॉर अश्वानी सर, बिकॉज यार केमिस्ट्री आपको तो पता ही है, केमिस्ट्री इज़ अ वेरी लेंदी मतलब टॉपिक, मतलब फिजिक्स और मैथमेटिक्स भी इंस्टीट्यूट्स में जल्दी ख़त्म हो जाता है और फिर केमिस्ट्री चलता रहता है, ठीक है ना। केमिस्ट्री को तीन डिफरेंट टीचर्स पढ़ाते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। बट यार आपको तो पता ही है, आपके जो टीचर्स हैं अकेडमी जेई पे, दे आर वेल वर्स्ड विद ऑल द थ्री, ठीक है। सो दैट्स अबाउट इट, है ना। आई होप आप लोग हैप्पी हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने बच्चे हमें जेई लाइव डेली में फॉलो कर रहे थे 11th के, वो भी हमें जुनून जेई पे फॉलो कर रहे हैं। रीज़न बीइंग, क्योंकि सारे क्वेश्चन अलग हैं, सारे क्वेश्चन थोड़े हाई एडवांस लेवल के हैं, तो आपका बहुत अच्छा रिविजन भी हो जाएगा। तो जुनून जेई विल प्ले अ वेरी बिग रोल फॉर द 2022 एस्पिरेंट्स, फॉर द 2023 एस्पिरेंट्स एज वेल, ठीक है। अगर आप अर्ली स्टार्टर्स हैं और आपने जेई लाइव डेली देखा है 1.0, 2.0, 3.0 कोई सा भी देख रखा है, अगर आपने पूरा देख लिया है लेट्स से 11th का 12th का, तो आप जुनून जेई 11th और जुनून जेई 12th को भी आप फॉलो कर सकते हैं। और जुनून जेई टेस्ट सीरीज़ भी इसी को ऑनर करती है, जो आपका सिलेबस यहाँ पे होता है, जुनून जेई टेस्ट सीरीज़ भी उसी को ऑनर करती है। एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, tinyurl.com/junoontest इज ऑल्सो दैट, ठीक है ना। अरे यार, मतलब तुम लोगों ने दिल की बात छीन ली, किसी ने बोला है कि ब्रिंग पारस सर बैक। यार मैं आपको बताऊं तो आप भी उनको लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मैं तो दिल से चाहता हूं टू बी ऑनेस्ट कि, बट यार ही इज़ ऑन अ डिफरेंट मिशन, बट यार मैं चाहता हूं, अगर आप बोलोगे, अगर वो मानेंगे तो हम क्यों नहीं मानेंगे। डेफिनेटली आई एम विथ यू यार, मैं बच्चों के साथ नहीं हूँगा तो किसके साथ हूँगा, ठीक है ना। बट अभी उनकी शादी हुई, एंड यू नो ही इज़ ऑल्सो वेरी बिजी एंड थिंग्स लाइक दैट। आई विल ट्राई टू टॉक टू हिम, ठीक है। बिल्कुल आज ही बात करने की कोशिश करूँगा उनको, अभी 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 के अभी एक टेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। एंड आप लोग भी उनको करना टेक्स्ट, कहीं 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 ना कहीं कि नमो सर से इमीडिएटली बात कर लो, क्योंकि वो अभी यू नो ही इज़ इन हिमाचल एंड थिंग्स लाइक दैट। बट उनको बहुत मिस करते हम लोग यार, है ना। ऑन द चैनल ऑब्वियसली, अदरवाइज तो यार हम सब यू नो एक ही है, वी आर पार्ट ऑफ एन अकेडमी, द बिगर मिशन, ठीक है। देखो प्लस पर एनिमेशन क्यों नहीं है यार, ये इसका आंसर मैं नहीं दे सकता, बट हाँ आने वाला है सब कुछ। आई एम श्योर द प्रोडक्ट टीम, जो हमारी अनअकैडमी की प्रोडक्ट टीम है, वो वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट टीम ऑफ द वर्ल्ड है। तो क्योंकि मैं पर्सनली जानता हूँ, आई बिन पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट, मैं आपको पता नहीं होगा बट मैं और समीर सर ने प्रोडक्ट मैनेजर का भी रोल प्ले किया है एक एडटेक कंपनी में इससे पहले। तो वी नो वी हैव सीन द प्रोडक्ट टीम ऑफ अनअकैडमी वेरी क्लोजली, बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल की प्रोडक्ट टीम है यार। हमें सब कुछ देखना पड़ता है, यू नो लाइक जो ऐप है आपकी, वो इंडिया में जो नेटवर्क बैंडविड्थ है उस मतलब वो हर जगह चले, यू नो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। हार्ड कोड नहीं कर सकते हम कोई चीज़, ठीक है ना। तो उसको मद्देनजर रखते हुए, सबके एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखते हुए, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। यस 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 यस
आज संडे है और देखो आज भी क्लासेस चल रही हैं आपके सिलेबस को कंप्लीट कराने के लिए. अभी पूर्णिमा मैम इज ऑल्सो लाइव, ठीक है ना. सो सो दैट्स अबाउट इट. चलो गाइस टेक केयर. और मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि आई रियली लव यू गाइस एंड आर एंटायर टीम लव्स यू एंड द काइंड ऑफ इंटरेक्शन जो आप लोग करते हो. बस एक चीज़ का थोड़ा सा दुख है यार. एक चीज़ का दुख है कि यार आप लोग ना, सुनना मेरी बात ध्यान से, है ना. एक चीज़ का दुख है कि आप लोग ने जुनून के साथ, मतलब आप लोगों ने जो सपना पूरा नहीं किया ना, 2 लाख एनरोलमेंट कराने थे आपको, आपने शेयर नहीं किया शायद पूरी तरीके से. वी वर वेरी शॉर्ट ऑफ दैट नंबर. बट इस सैटरडे मैं चाहता हूँ कि हम 2 या 2.5 लाख एनरोलमेंट्स क्रॉस करें जुनून टेस्ट में. हम चाहते हैं कि यार इंडिया के लिए हमेशा के लिए टेस्ट सीरीज फ्री ही हो जाए. मतलब कोई कभी ये बोल ही नहीं पाए कि टेस्ट सीरीज कब के पैसे लगेंगे. टेस्ट सीरीज शुड बी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना. तो और ये क्यूमुलेटिव टेस्ट सीरीज है, ये वैसी टेस्ट सीरीज है जिस जो एक इंस्टीट्यूट में चलती है, एक अच्छे इंस्टीट्यूट में चलती है ना. जो आप सोचो हर वीक वहाँ पे टेस्ट होता है, कई कई जगह हर महीने होता है, कई कई जगह हर फोर्टनाइट में होता है. तो आप लोग भी यार tinyurl.com/junoontest को अच्छी तरीके से ना, मतलब प्रमोट कर दीजिए. इट इज़ द बेस्ट टेस्ट सीरीज इन द कंट्री, मैं आपको बता सकता हूँ. बींग अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री फॉर क्लोज टू नाउ 12 ईयर्स होने वाले, तो यार 12 साल में एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ कि जिस लेवल के क्वेश्चन हैं यहाँ पे, जिस लेवल की रिसर्च जा रही है, और मतलब बहुत ही अच्छे से हैंडक्राफ्ट करके क्वेश्चंस आपके लिए बनाए जा रहे हैं इस टेस्ट सीरीज के लिए. तो इसको अगर आप यूटिलाइज करेंगे तो आपका स्कोर आएगा ही आएगा, है ना. हर टॉपर में एक चीज़ कॉमन होती है कि वो टेस्ट देते रहते हैं, ठीक है ना. चलो वैसे दिस वीडियो वॉज नॉट अबाउट दैट, दिस वीडियो वॉज अबाउट अश्वानी सर कि ही इज़ गोइंग टू इंक्रीज हिज फ्रीक्वेंसी, ठीक है. मैंने अभी जस्ट उनसे बात की थोड़ी देर पहले. एंड वेंसडे को आपका एक जुनून का सेशन होगा, दैट विल हैपन एट 10 o'clock इन द मॉर्निंग, ठीक है ना. तो आपको तो पता ही है 9 से 10 के बीच में हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है. कभी कभी क्या होता है कि 9 बजे एग्जैक्टली स्टार्ट नहीं हो पाता सेशन, बिकॉज यार उसमें एंड मिनट पे भी कुछ कुछ चेंजेस होते रहते हैं. मैं आपको बताना चाहता हूँ, लाइक लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ. यार जब हमारा डेली स्केड्यूल में, जहाँ पे हम प्लस की क्लासेस करते हैं, स्पेशल क्लासेस करते हैं, यूट्यूब की क्लासेस करते हैं, टेस्ट सीरीज पे वर्क करते हैं, तो जब एकदम से जुनून की क्लास आती है ना बीच में, तो यार वो होती है 9 बजे सुबह. मैं सच बता रहा हूँ, मैं नाइट आउट करता हूँ. लाइक एवरी जुनून सेशन में आप देखोगे, नोटिस करोगे कि मैं 2 बजे, रात के 2 बजे तक तो टाइम चला ही जाता है ना. उसके बाद हम सोते हैं और फिर सुबह उठ के भी कुछ चेंजेस करते हैं कि हाँ यार अब सारे क्वेश्चंस बन गए, अच्छे से डिज़ाइन हो गए, और फिर अब यार उनका ऑर्डर मतलब सही करना पड़ता है, यार ये यहाँ होना चाहिए, ये यहाँ होना चाहिए, तब जा ऐसे आपका जुनून का सेशन बनता है. तो यार उसमें कभी कभी होता है यार कि मतलब मैं देख रहा होता हूँ कि यार 8:30 हो चुका है, ब्रेकफास्ट भी करना है, क्योंकि देन यू हैव टू स्टैंड फॉर सो लॉन्ग, एंड ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना. सो दैट्स अबाउट इट. इंस्टेंट मैं आपको ये बताता हूँ, मैं अपने जुनून के सेशंस के बीच में आके बैक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस भी करता हूँ. ये हमेशा यहाँ पे पड़ा रहता है, दिस इज़ माय योगा मैट, है ना. या बेसिकली एक्सरसाइज मैट है, ये पड़ा ही रहता है. अभी इंस्टेंट अभी मैं एक्सरसाइज ही करने वाला था, ठीक है. सो टेक केयर एवरीवन, सी यू, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल. बस इस इन्फॉर्मेशन को सब तक स्प्रेड कर देना कि जुनून की फ्रीक्वेंसी बढ़ने वाली है. आप लोग, मैं जानता हूँ 11th को थोड़ा क्रेव कर रहे थे. 11th में 3 ही सेशन हुए थे, बाकी सब चैप्टर्स में 5-6 हो गए थे, तो वो हम कवर कर लेंगे. अभी देखना, अश्वानी सर इज़ लाइक अ बुलेट ट्रेन, ठीक है ना. अब वो स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना. चलो टेक केयर, सी यू, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल.